साथियों नमस्कार, मेरा नाम गीतम सिंह है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में डायरेक्टर हूं। मेरे पास कुछ गार्जियन के फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमारे पास में एक वीडियो बनाकर भेज दें एडमिशन के पर्पज में। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम गीतम सिंह है, मैं जारवा कटरा गांव से हूँ। हमने होटल मैनेजमेंट किया था 98 में, 4 साल इंडिया में नौकरी की, जिसमें ओबरा ग्रुप ऑफ होटल और ताज ग्रुप ऑफ होटल में जॉब किया। इसके बाद एक देश है बहरीन, किंगडम ऑफ बहरीन, वहाँ रहा। इसके बाद कई साल अमेरिका में रहा और यूरोप में भी रहा। साथियों, कुल मिला के होटल लाइन का जॉब शुरुआत में थोड़ा सा कठिन है, बाद में अगर हम काम करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। होटल के अंदर 4 बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में कोई व्यक्ति जब आता है तो उसकी मदद के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो जो पहली पोस्ट होती है वो फ्रंट ऑफिस एसोसिएट की पोस्ट होती है। इसके बाद वो सीनियर होता है, सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है। इसके बाद वो GM भी बनता है। इसमें जो तनख्वाह की स्टार्टिंग होती है, जो हमको सैलरी मिलती है, वो 9-10 हज़ार से लेकर 20 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग होती है। खाना मिलता है, कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं ऑन ड्यूटी, और एक्स्ट्रा इनकम भी है। ऐसे करके वो बढ़ता हुआ जाता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर तक, 1 से 1.5 लाख रुपए महीना तक कमा लेता है। इसके बाद GM की तनख्वाह जो होती है वो 2 से 10 लाख रुपए होती है। दूसरा डिपार्टमेंट होता है हाउसकीपिंग, जिसमें साफ सफाई से लेकर रूम की साज सज्जा और कस्टमर को क्या चाहिए वो रूम अटेंडेंट का काम होता है। फिर वो सीनियर होता है, फिर सुपरवाइजर होता है, फिर वो असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर मैनेजर होता है। इस तरीके से एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर तक इसमें पोस्ट होती है। और वो या तो कॉर्पोरेट में जा सकता है, इसके बाद कॉर्पोरेट हाउसकीपर बन सकता है, या जनरल मैनेजर भी बन सकता है। इसमें भी एक्स्ट्रा इनकम है, सेम सुविधा है। तीसरा डिपार्टमेंट होता है सर्विस, जिसमें लड़कियां इंटरनेशनल एयरहोस्टेस बन जाती हैं अगर इसको ढंग से पढ़ लेती हैं तो, और लड़के भी केबिन अटेंडेंट बनते हैं एयरलाइंस में। रेलवे में जगह निकलती है इसके लिए, एयरफोर्स में जगह निकलती है इसके लिए। तो दोनों तरीके के इसमें जॉब मिलते हैं हमें सर्विस में, जिसको एयरहोस्टेस, इंटरनेशनल एयरहोस्टेस, रेलवे, ये 3 चीज इसमें बहुत मायने रखती है। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो इंटरनेशनल जॉब ले सकता है यहाँ पे। तो ये हमें अब कह सकते हैं अपनी भाषा में वेटर बनता है। वेटर हमेशा नहीं रहता, उसके बाद वो सीनियर वेटर बनता है, फिर कैप्टन बनता है, कैप्टन के बाद में वो असिस्टेंट मैनेजर बनता है। अलग अलग आउटलेट होती हैं होटल के अंदर, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, रूम सर्विस हो गई, और बैंक्वेट हो गई, और बार हो गया। अलग अलग इसके मैनेजर होते हैं, अलग अलग बैंक्वेट हॉल होते हैं, अलग अलग मैनेजर होते हैं, जूनियर, सीनियर और उसके बाद सुपर सीनियर। इन सब के ऊपर एक होता है F&B मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर। इसके बाद वो प्रमोट होता है जनरल मैनेजर के लिए या फिर F&B डायरेक्टर के लिए। इसमें भी बहुत अच्छी तनख्वाह है, बहुत अच्छी इनकम है, 10 हज़ार से लेकर 20 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग हो जाती है। खाना मिलता है, ड्यूटी कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं, और वो 1-2 लाख रुपए महीने तक आराम से हो जाता है। एक डिपार्टमेंट होता है किचन, जिसमें दुनिया के देशों का खाना बनाना सिखाते हैं, इंडियन, चाइनीज, मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल, कई पूरी दुनिया की कलनरी, आर्ट ऑफ कलनरी यहां पे सिखाई जाती है। तो ये भी एक कला है, खाना बनाना एक कला है। लोग बोलते हैं कि खाना बनाने से दिक्कत होती है, खाना बनाएगा हमारा बच्चा वहां। खाना शुरुआत में बनाया जा सकता है, लेकिन एक इंटरनेशनल शेफ, एक मास्टर शेफ बनने के लिए आप देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बनने, खाना बनाने से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे लोग, अपनी अपनी एक बढ़िया रेसिपी बनाकर हम दे सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अपनी ब्रांड दे सकते हैं। वो शेफ की क्वालिटी होती है, और ये भी एक टेक्निकल वर्क है। ऐसा नहीं है कोई भी आके कुछ भी बना रहा है, सारी दुनिया में क्लासिकल खाने बनाए जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज के खाने बनाए जाते हैं। तो उसमें हम शुरुआत में जो शुरुआत में जो पहली पोस्ट होती है वो Commis 3, फिर 2, फिर 1, इसके बाद DCDP, CDP, सीनियर CDP, सूस शेफ, एक मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है, इसके बाद सीनियर सूस शेफ, एग्जीक्यूटिव सूस शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ,
मास्टर शेफ, इंटरनेशनल शेफ और अलग अलग पूरी दुनिया के देशों में, यहां से भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सीओडी, फाइवनान आर्मी सब तरह की नौकरी ली जा सकती है। साथियों मैं आपको बता देता हूं, नवोदय विद्यालय में जगह निकलती है कैटरिंग के लिए, जिसमें खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, जो सरकारी जगह होती है, और वहां पे खाने बनाने का इंचार्ज भी होता है। इस तरीके से हम पूरी दुनिया में, अपने देश में ये होटल के बारे में जॉब ले सकते हैं। और मैं आज चार डिपार्टमेंट के बारे में ही बताऊंगा, इसके बाद अगले हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें बाकी डिपार्टमेंट के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे फोन करके बताइए, मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।